प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में व्यापारी की सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है। व्यापारी मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, जैसे ही घर पहुंचे तो बदमाश ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हत्या की यह वारदात जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के बिलोटीपुरा इलाके में हुई है। यहाँ मिश्रीलाल राठौर की इलेक्ट्रिक की दुकान है और ऊपर घर है। रोजाना की तरह शनिवार को भी वह मॉर्निंग वॉक और क्रिकेट खेलकर वापस घर लौट रहे थे, तभी घर में पहले से छिपे बैठे बदमाश ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के समय परिवार के सदस्य ऊपरी मंजिल पर सोए हुए थे, जो शोर सुनकर नीचे आए और घायल को अस्पताल पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर मिलने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। एडिशनल एसपी जयंत राठौर ने कहा है कि घटना लूट और चोरी की नीयत से नहीं की गई, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में जूना सोमवारी है, वहाँ पे एक मिश्रीलाल राठौर हैं, उनकी सुबह हत्या की गई है। जो आरोपी अज्ञात है, उसके हम पुलिस को वीडियो फुटेजेस मिले हैं और उस पर जाँच चल रही है। घटना स्थल पे पुलिस की एफएसएल की टीम, फिंगर की टीम, डॉग स्क्वाड भी भेजा गया है और सभी बिंदुओं पे पुलिस का टीम काम कर रही है और हम शीघ्र उस अज्ञात आरोपी को गिरफ्तार करें। सर, फुटेज में कितने आरोपी है, क्या मामला प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है? फुटेज जो पुलिस को प्राप्त हुए हैं उसमें एक ही आरोपी है, जो हत्या के उद्देश्य से, मारने के उद्देश्य से उनके घर में प्रवेश किया था। अभी प्राथमिक तौर पे लूट या अन्य कोई बिंदु सामने नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी रंजिश का मामला अभी तक प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है। सर, महाकाल मंदिर